स्नेहली आपका क्वेश्चन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी मोहनथाल की रेसिपी। मोहनथाल आपको पता है एक बहुत ही टेस्टी स्वीट होता है जो राजस्थान में बहुत फेमस है। ये बेसन का बनता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पहले मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना सुंदर बना है ये और बहुत ही लजीज है खाने में। आप जब एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप सोचेंगे हलवाई का बना हुआ भी इतना टेस्टी नहीं जितना हम घर में इतना टेस्टी मोहनथाल बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो एक कप बेसन लिया है 250 ग्राम के करीब, उसमें मैं 1/4 कप घी मिला रही हूँ मोन के लिए, जिससे कि हमारे जो मोहनथाल है वो बहुत ही अच्छा और स्मूथ टेस्ट आएगा उसका। इसके लिए हमें यहाँ पे घी मिला रही हूँ और इस घी को अच्छे से बेसन में पूरी तरह से मिला लें, और साथ ही हम जो डो बनाएंगे आटा गूंदेंगे उसका, वो हम बनाएंगे दूध से। दूध से हम आटा गूंदेंगे, तो इसके लिए आप आधा गिलास के करीब दूध ले लीजिए। अगर आपके पास मलाई हो तो मलाई भी ले सकते हैं, मलाई का भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे हम इसे आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे करीबन आधा गिलास दूध मैं यूज़ में ले रही हूँ। थोड़ा सा टाइट डो बनाया है आप इसका, अच्छे से मथते हुए इसका एक अच्छा आटा गूंद लीजिए। मोहनथाल आप एक बार बना के रख सकते हैं स्टोर करके और 15-20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वीट होता है, होली पे जनरली बनाया जाता है ये, पर मैं आप बना रही हूँ इसे। ये देखिए अच्छे से मथते हुए हमारा आटा ऑलमोस्ट गूंद लिया है हमने इसे। हम इस तरह से एक तरफ से करके रख देंगे, इतना टाइट आपको आटा उसलना है, और फिर बाद में इसकी छोटी छोटी मुठिया बनानी है। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा मुठिया वाले लड्डुओं का, आटे के लड्डुओं का, सेम वैसे ही आपको मुठिया बनानी है इसकी। इस तरह से देखिए छोटी छोटी सी पोर्शन लेके आटे का इस तरह से हाथ में दबाते हुए उसकी छोटी छोटी सी मुठिया बना लीजिए आप। ये देखिए जैसे आप हाथ में इसको दबाएंगे तो मुट्ठी का शेप आ जाएगा, उसे कहते हैं मुठिया वाली मोहनथाल, मुठिया वाले लड्डू, मुठिया वाले मोहनथाल। तो इस तरह से हम सभी पोर्शन के इस तरह से मुठिया बना लेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे आटा कितना सख्त है, आपको इसी तरह से आटा गूंदना है। ज्यादा पतला नहीं करें आप आटा, इस तरह से सख्त बनाए, सख्त उसका डो बनाए। ये देखिए सारी मुठिया मैंने बना ली है, अब हम इसे तल लेते हैं। आप तलने में चाहे तो ऑयल ले ले, चाहे घी ले ले। इस तरह से एक एक मुठिया को तेल में डाल दीजिए या घी में डाल दीजिए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए। आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो मुठिया जल जाएगी और अंदर तक कच्ची रह जाएगी, तो आपको अच्छे से पकाना है उसे, क्योंकि बेसन है, बेसन को अगर पकाएंगे नहीं तो हमारे मोहनथाल में कच्चा टेस्ट आएगा। तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे करीबन 15 मिनट तक इस तरह से पकाना है, क्योंकि मेरी बड़ी कढ़ाई है इसलिए ये सारी मुठिया एक साथ आ गई,
आप थोड़ी थोड़ी करके इन्हें पकाएं और अच्छे से अंदर तक सिकने दें। तेज आंच पे नहीं सेकें, मीडियम आंच पे सेकें और मीडियम फ्लेम पे सेकें और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने दें। धीरे धीरे सिकने दें इसे, अच्छे से अंदर तक सिक जाएगी तो हमारी मूंगफल का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मेरी मम्मी बहुत बनाती है ये और लोगों को इतना पसंद है मूंगफल मेरी मम्मी की हद का कि सब लोग उनसे बनवाते हैं कि आप उनका बना के जाओ या उनको ट्रिक्स बताओ। तो आज मैं आपके साथ मेरी मम्मी की ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अच्छे से तेल को ड्रेन करके इस तरह से निकाल लीजिए और ठंडा होने के बाद इसके टुकड़े कर लीजिए इस तरह से। अब ये बहुत गर्म है, धीरे धीरे टुकड़े कर लीजिए इसके और ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर बना लेंगे उसका। ये मैंने ठंडा कर लिया है बिल्कुल टुकड़े करके, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डाल के। अगर आप जैसे कि मुठिया हैं वैसा कहीं ग्राइंड करने लगेंगे तो वो अच्छा बारीक पाउडर नहीं बनेगा, इसलिए आप पहले उसके टुकड़े कर लें फिर उसे ग्राइंड करें। ये देखिए हमारे बिल्कुल टुकड़े हो गए हैं उसके, अब हमने ग्राइंड कर लिया है और अब हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए मैं यहाँ पे एक कप शुगर ले रही हूँ, उसी कप का नाप से, उसी कटोरी के नाप से मैं पानी डाल रही हूँ चाशनी के लिए। डेढ़ कटोरी पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और फिर हम चाशनी को बनने रख देंगे। चाशनी हमें एक तार की चाशनी बनानी है तो पहले हम चीनी को मेल्ट होने देंगे, शुगर को मेल्ट होने देंगे और उबलने देंगे अच्छे से चाशनी को जब तक कि एक तार की चाशनी नहीं बन जाए। चाशनी में हम मिला रहे हैं खुशबू के लिए एक चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा पीला कलर, अगर आपको कलर पसंद नहीं हो तो आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं, एक पिंच सफिशियंट रहेगी। हम इसे उबलने देंगे और जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तब हम हमारे इस पाउडर में उसे चाशनी को मिला देंगे। बीच में हम मिला रहे हैं यहाँ पे घर का बना हुआ मावा 100 ग्राम के करीब, जो मैंने घर में बनाया था। इसकी रेसिपी और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो बाजार से भी ला सकते हैं। जैसा कि अभी बाहर कोई नहीं जा सकता तो आप मावा बाहर से नहीं ला सकेंगे तो आप घर में भी बना सकते हैं मावा, और अगर आप नहीं भी डालना चाहें मावा तो भी बहुत ही अच्छा बनता है मूंगफल, आप बिना मावे के भी बनाइए तो भी बहुत अच्छा लगता है। मावे को अच्छे से मिला दीजिए, बीच में चाशनी को भी हिलाते रहिए और देखते रहिए कि वो कहीं ज्यादा गाढ़ी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर चाशनी ज्यादा गाढ़ी हो गई तो आपके फिर मूंगफल बनाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि चाशनी इसमें मिक्स नहीं हो पाएगी। तो आपको एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी का अगर आपको एक तार से समझ नहीं आए मेजरमेंट तो आप समझिए कि जब भगोनी में या जो भी बर्तन आप में बना रहे हैं चाशनी उसके बाउंड्रीज पे ये लेयर आ जाए चीनी की शुगर की और वो सूखने लग जाए तब समझिए कि आपकी चाशनी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं आधी कटोरी कोकोनट पाउडर मिला रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मूंगफल में। इस तरह से मिक्स कर लीजिए पूरी तरह से और फिर गरम गरम चाशनी को इसमें मिला दीजिए, और आप मिलाते वक्त ये ध्यान रखें कि आपको इसे लगातार चमचे से हिलाते रहना है, हाथ से आप मिला नहीं पाएंगे क्योंकि चाशनी बहुत गर्म होती है, और आप चमचे से हिलाते रहिए जिससे कि चाशनी जम नहीं जाए बर्तन में, जम जाएगी तो उसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको लगातार उसे हिलाते रहना है
और उसे फिर बाद में प्लेट में जमा देना है। आप क्योंकि आपको बर्फी बनानी है तो बर्फी के लिए इस तरह से उसे प्लेट में जमाना पड़ता है। आप लगातार चमचे को हिलाते रहिए, तभी ये थिक हो जाएगा बैटर और आपको फिर प्लेट में जमाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो ये जम जाएगा बर्तन में। देखिए अभी कितना थिक हो गया है ये, तो इसे फटाफट इसे ग्रीस करी हुई प्लेट में इस तरह से पलट दीजिए। मैंने प्लेट को पहले से घी से ग्रीस कर लिया था, इस तरह से प्लेट में पलट दीजिए। इस प्रोसेस में आपको लास्ट में थोड़ी सी जल्दी करनी है, नहीं तो आपके बर्तन में चिपक जाएगा, फिर आपको बर्तन में से ही मोहनथाल खाना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरी प्लेट में फैला दो और टैप कर दो धीरे धीरे। इसे आपको इस स्टेज में नहीं काटना है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर आपको नाइफ की मदद से इसे काटना है बर्फी की शेप में। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्क यूज में ले रही हूँ चांदी का, आपके पास वर्क हो तो आप वर्क यूज में लीजिए गार्निश करने के लिए, नहीं तो ड्राई फ्रूट लीजिए। इसे गरम गरम में ही आपको चिपकाना होगा, बाद में ये नहीं चिपकते इसलिए आपको गरम में ही वर्क को इसे चिपकाना होता है। सभी तरफ वर्क लगाने के बाद हम थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे इस तरह से ब्रिक्स के शेप में काट लेंगे और इसे दूसरे दिन सर्व करें, तब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बाहर की मिठाई को भी मात करने वाली डिश बनना के तैयार हो गई है कितनी आसानी से। इसे बनाइए और अपनी व्यूज और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन बजाना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। बिल्कुल फ्री है ये।